देखिए फिर से दिखा रहे हैं कॉपी और पेस्ट का कितना महत्व है। फिर देखिए इधर इधर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी क्यों करते हैं? क्योंकि इसी को दूसरे जगह लाना चाहते हैं। तो यहां पर मिलता है क्लिपबोर्ड, देखिए नीचे क्या लिखा है, क्लिपबोर्ड लिखा है। तो ये क्लिपबोर्ड में पेस्ट है, पेस्ट पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ हो रहा है? पेस्ट पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि पेस्ट तब काम करेगा जब आप कॉपी कर लेंगे तब। ठीक है, कॉपी यहां पे दिया गया है तो किसी चीज को कॉपी करना, जैसे मान लीजिए राम को ही कॉपी करना है, तो राम पे क्लिक किया, यहां पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, तब पेस्ट हाईलाइट होगा। या तो आप कॉपी कीजिए या तो आप कट कीजिए, तभी ये पेस्ट ऑप्शन हाईलाइट होगा। कट क्यों किया जाता है? क्योंकि एक चीज को, जैसे मान लीजिए राम है, तो कट करने का मतलब है कि यहां से हटा के कहीं और ले जाना चाहते हैं इसको, यहां पे नहीं रखना था, कहीं और रखना था इसको। सपोज कीजिए यहां रखना था इसको, एक मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी कर देता हूं, मान लीजिए यहां पे राम को रखना था लेकिन गलती से यहां आ गया है, तो आप इसको कट कर सकते हैं। कट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की होती है कट करने की, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। ठीक है, तो कट करने के बाद ही पेस्ट का महत्व तो समझ में आएगा, कॉपी करने के बाद ही पेस्ट का महत्व तो समझ में आएगा। ऐसे ये पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर यही कट कर देते हैं तो कट करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, एक एक देखिए इस तरीके से एक बन जाएगा आपका, देख रहे हैं ये चारों तरफ ऐसे करके आ रहा है। अब इसको पेस्ट करना है कहां पे करना है, मान लीजिए हम यहीं पे करना चाहते हैं, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, जहां पे भी रखना हो वहां पे कर्सर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहीं पे रखना है तो यहां पे क्लिक कर दिया, ये ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ये देखिए ये ब्लिंक होने लगा, तो ऐसे नहीं करना है, सिर्फ आपको यहां पे क्लिक भर कर देना है और कट करके करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, अगर ब्लिंकिंग कर देंगे तो वो कट वाला चीज खत्म हो जाएगा या कॉपी वाला चीज खत्म हो जाएगा। तो यहां पर जाइए, आप यहां से कट कर दीजिए राम को, कट कर दिया। अब देखिए ब्लिंकिंग करेंगे तो खत्म, देखिए ब्लिंक करने लगा तो अब वो जो आ रहा था सर्कल करके ऐसे, वो खत्म हो गया, तो ब्लिंकिंग होगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जाके और मान लीजिए कॉपी करना या कट, कट ही कर लेते हैं तो ये कट हो गया, और यहाँ पे गए पेस्ट करना, देखिए पेस्ट हाईलाइट हो गया तुरंत, अब क्लिक करिएगा यही चीज यहाँ आ गई वहां से हटके, समझ रहे हैं? तो ये हो गया कट करना। इसी चीज को आप शॉर्टकट से कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो तीन बार क्लिक कर देते हैं कट वाला इफेक्ट हट जाएगा, तो शॉर्टकट से कैसे करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ एक्स दबाइएगा। शॉर्टकट की कट की क्या होती है, सीटीआरएल के साथ एक्स, कंट्रोल के साथ एक्स, तो कंट्रोल एक्स कीजिए ये कट हो गया। अब कट हो गया कहां ले जाना है, जहां ले जाना है आप ले जाइए, मान लीजिए यहीं पे ले जाना है या यहां पे ले जाना है, कहीं पे भी ले जाना है, तो यहां पे आए और पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ भी, सीटीआरएल के साथ भी, तो ये पेस्ट कर लिया तो यहां से हटके यहां आ गया, ये शॉर्टकट की मदद से। और भी तरीके हैं क्या, तो बिल्कुल है, क्या है, जैसे मान लीजिए कट आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके करना चाहते हो तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, ये देखिए ये कॉपी है ये कट है। ठीक है, अभी यहाँ पे कट का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बाहर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आइए और यहाँ पे आइए तो ये अब कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे कट का ऑप्शन आपको हाईलाइट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, आप यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए ये कट बना है ना, यहाँ पे जाइए क्लिक कर दीजिए कट हो गया, यहाँ पे जाइए और पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया क्लिक कर दीजिए। तो अलग अलग तरीके हैं, आप चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं ये क्लिप बोर्ड में कट कर सकते हैं, या फिर आप इस पे जाके क्लिक करके भी कर सकते हैं। इस पे गए क्लिक किया, अब यहाँ पे तो ये हाईलाइट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, या आप राइट क्लिक करेंगे तो नहीं नजर आएगा, तो क्या करेंगे कंट्रोल एक्स कर देंगे, ये शॉर्टकट की होता है कट का, समझ में आ रही है बात, कंट्रोल एक्स करके और यहाँ पे मान लीजिए लाना है तो कंट्रोल भी कर दीजिए, शॉर्टकट की है ये। अगर मान लीजिए ये नहीं करना है तो फिर वही चीज की आप जो है यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो अलग अलग मेथड्स हैं, आप आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बात। अब मान लीजिए आपको जो है कॉपी ही करना होता तो क्या करते, तो कॉपी करने के लिए भी मान लीजिए इसी को कॉपी करना है या इसको कॉपी करना है, तो कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी, सीटीआरएल के साथ सी, ये शॉर्टकट की होता है। तो कॉपी का मतलब होता है यहाँ पे तो रहेगा ही, यहाँ पे तो रहेगा ही, कहीं और भी इसको ले जाना है, यहाँ पे तो रहेगा ही, इसी का एक कॉपी बना देना है। हाँ, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने, कॉपी हो गया ये, अब ये आ गया ना सर्कल, कॉपी बन गया, ये कॉपी बन गया तो कैसे पता चला कॉपी बनेगा, बढ़ गया है तो इसको कहीं पेस्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए यहीं पे कर देते हैं तो पेस्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, जैसे कॉपी करेंगे तो अब यहाँ पे आ गया। अब ये कोई एरर वैल्यू नहीं है, जानते हैं ये क्यों ऐसा आया है, क्योंकि ये कॉलम छोटा पड़ गया है, ये देखिए ये कितना बड़ा है, तो यहां से पकड़िए इसको ड्रैग कर दीजिए, या आप शॉर्टकट की इस्तेमाल कर लीजिए, ड्रैग भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्ट एच ओ आई कर दिया, ये अपने आप रिसाइज हो जाएगा, एक बार अल्ट, एक बार एच, एक बार ओ, एक बार आई, रिसाइज हो गया। ठीक है,
तो ये चीजें हैं। अब मान लीजिए फॉर्मेट प्रिंटर की बात है, फॉर्मेट प्रिंटर भी बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये जो है ना ये रेड कलर में है और इसका कलर ये बदल देता हूं, येलो कर देता हूं और यहां पर इन दोनों को बोल्ड बना देता हूं। बोल्ड समझते हैं ना, गाढ़े में, डार्क में, तो ये डार्क कर दिया। इसकी साइज भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं, यहां से थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं तो ये बढ़ गया साइज, देख रहे हैं। अभी मान लीजिए कि ये सेम फॉर्मेट इस पे भी अप्लाई करना, ये देखिए ये कैसा दिख रहा है, क्या ये रेड कलर में है, ये रेड कलर में है, ये तो ब्लैक कलर में है और बोल्ड भी नहीं है, डार्क में नहीं दिख रहा है। तो जैसा ये दिख रहा है वैसा ही इसको भी बनाना है क्या, तो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट को कॉपी करना पड़ेगा। तो यहां से क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, फॉर्मेट कॉपी हुआ है, ये डीओबी कॉपी नहीं हुआ, फॉर्मेट कॉपी हुआ। अब इस जिस पे भी क्लिक करेंगे सेम यही फॉर्मेट उस पे भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसी पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए जैसा ये दिख रहा है वैसा ये भी दिखने लगा। ये होता है फॉर्मेट प्रिंटर, समझ में आया। अब कई बार क्या होता है ना कि हमको एक ही नाम को या तीन चार ऐसे नाम है जिनको बार बार कॉपी करना पड़ता है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए राम को कॉपी करना है तो यहाँ पे जाते हैं, कॉपी पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, पेस्ट पे क्लिक किया, पेस्ट हो गया। फिर आपको लोकेश को कॉपी करना है तो यहाँ पे जाते हैं, ये राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, तो राइट क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं पेस्ट, यहां से भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे जो तरीका, यहां से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, तीन तरीके, आपको जो तरीका अच्छा लगे। तो ये बार बार करना पड़ा। अब मान लीजिए अमित को कॉपी करना पड़े, फिर यहाँ गए कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया यहाँ से जाके, तो ये बार बार। अब फिर मान लीजिए राम को करना है तो फिर राम को कॉपी करना पड़ेगा ना, एक बार तो ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं हम, तो बार बार कॉपी करना पड़े किसी पर्टिकुलर नेम को, या दो तीन ऐसे नेम है जिनको बार बार कॉपी करने पड़े, 10 ऐसे नेम है जिनको बार बार कॉपी करना पड़े, तो आप क्या करिए, यहाँ से क्लिपबोर्ड जो दिख रहा है ना ये एरो, इस पर क्लिक कर दीजिए, ऐसे खुल गया। अब जितना भी कॉपी किया था सब दिख रहा है इसमें, दिख रहा है ना। मान लीजिए कि अब आपको क्या चाहिए, राम चाहिए, कहां पे, यहां पे, तो देखिए राम कॉपी है, बस इस पे क्लिक करिए, पेस्ट हो गया, ठीक है। मान लीजिए अब क्या चाहिए, अब अमित चाहिए, तो नीचे वाले में क्लिक करिए, अमित चाहिए यहाँ पे, अमित पे क्लिक करिए, अमित आ जाएगा, खाली क्लिक करने से आ जाएगा, क्योंकि क्लिपबोर्ड के अंदर ही कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर होता है और ये यहीं पे जाके स्टोर हो जाता है, समझ रहे बात को। तो ये स्टोर हो जाएगा तो क्या होगा, यहीं से आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ और चाहिए, लोकेश चाहिए या कुछ और चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो आ जाएगा। अगर अगर फिर ये डेट चाहिए होगी नीचे, डेट पे क्लिक कर दीजिएगा, वो आ जाएगा। अब डेट देखिए ये फिर ऐसे आ गया, तो आप यहाँ से साइज को ऐसे बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो वही काम कि एक बार अल्ट एच ओ आई हो गया। ये काम अगर नहीं करते तो क्या होता, यहां से ड्रैग कर लेते हम ऐसे, तो जो आपको आसान लगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर मान लीजिए आपको इसकी जरूरत है राम की, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, राम पे क्लिक कर दीजिए, बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्लिप बोर्ड को अगर ओपन करके करेंगे तो यही फायदा है, समझ में आई बात। ये एक अलग डेटा हमारे पास है, ठीक है, और ये डेटा कहाँ का है, ये डेटा है सीट नंबर 2 का, सीट नंबर 1 पे थे तो ये था हमारे पास, ठीक है, सीट नंबर 2 पे ये डेटा हमारे पास है, देख लीजिए। तो अभी इसमें क्या करना है, होम टैब के सारे यूजेस सीखने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्लिपबोर्ड तो आपने सीख लिया है, ये देखिए ये बोल्ड है, तो बोल्ड का बड़ा सीधा सा उपयोग है कि यहाँ पे क्लिक करने से डार्क में आ जाएगा, इसे बोल्ड कहते हैं, इटैलिक माने तिरछा हो जाएगा, तिरछे में यही चीज लिखी जाएगी, कंट्रोल आई शॉर्टकट की होती है और बोल्ड की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल यू, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा तिरछा देखिए ये हो गया है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, फिलहाल हमें अंडरलाइन की जरूरत नहीं है, दोबारा क्लिक करने से यही इफेक्ट हट जाता है, यानी अंडरलाइन किया है ना, दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे तो यही इफेक्ट हट जाएगा। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन के नीचे एक एरो बना हुआ है और इस एरो पे क्लिक करने से क्या होगा, नीचे डबल अंडरलाइन का भी ऑप्शन है, तो अगर दो बार अंडरलाइन देना चाहते हो एक ही चीज के नीचे तो आप इसको दे सकते हैं। अगर मान लीजिए सब पे यही चीज अप्लाई करना हो तो आप फिर यहाँ पे जाइए और डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे तो सब पे यही इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। देखिए फिर से क्लिक कर रहा हूँ, ये अप्लाई हो गया ना, जितने हिस्से को आप सेलेक्ट करेंगे उतने हिस्से पर ये अप्लाई होता चला जाएगा, ठीक है, ये बहुत आसान सी बात है, ये तो हो जाएगा। अब मान लीजिए दोबारा से इसी पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, डबल अंडरलाइन पे, तो ये इफेक्ट हट जाएगा, ठीक है, सबके साथ यही बात लागू होती है, तो ये बात समझ में आ गई। यहां से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तभी इसका इफेक्ट पता चलेगा, जैसे मान लीजिए इनका फॉन्ट हमें बदलना है, तो अभी हम कैलिबरी फॉन्ट में है, यहां पर बहुत सारे फॉन्ट हमारे पास है, जैसे मान लीजिए ये एजेंसी FB करके है, अगर इसको लगा देंगे तो ये ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, अगर आप चेंज करेंगे कैलिबरी लाइट कर देंगे तो थोड़ा सा ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, अगर आप इसी को थोड़ा सा ये लाएंगे, ये देखिए ये बॉडोनी एम्प्टी ब्लैक करके है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। तो फॉन्ट अगर चेंज करना है तो आप यहां से बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर अल्जीरियन कर देंगे तो यही चीज ऐसे देखना शुरू हो जाएगी,
तो आप फॉन्ट बदल सकते हैं बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो फॉन्ट बदलने के लिए आप यहां से जा सकते हैं, ठीक है। ये फॉन्ट सेक्शन के अंदर ही आपको फॉन्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। बॉर्डर मैंने बता दिया, बॉर्डर पहले भी बताया है। जैसे मान लीजिए इस पर कोई भी बॉर्डर ना लगाओ, हालांकि मैंने बॉर्डर लगा रखा है, हटाने के लिए क्या करेंगे, ये फॉन्ट सेक्शन के अंदर ही ये बॉर्डर मिलेगा आपको। ये बॉर्डर है, यहाँ पे माउस का कर्सर देखिए आप, क्लिक करेंगे हम इसको नो बॉर्डर कर देते हैं। नो बॉर्डर करने से सारा बॉर्डर हट जाता है। अब एक्सेल में आप डेटा एंट्री करेंगे तो ऐसा ही आपको दिखेगा, बॉर्डर नहीं लगा होगा। अगर इस पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप इसको यहां से पकड़ के माउस का लेफ्ट बटन दबा के खींच के ड्रैग करके यहां तक आएंगे तो ये सिलेक्शन में आएगा। सिलेक्शन में आने के बाद क्या करना है, इसको बॉर्डर लगाना है इस पूरे पे। तो इतना ही हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया। अगर मान लीजिए आपको और ज्यादा की जरूरत है तो इस तरीके से ड्रैग करते हुए यहां तक आ जाइए। मान लीजिए यहां तक की जरूरत है तो यहां तक बॉर्डर लगा सकते हैं। कैसे लगेगा, यहां पर जाएंगे, ये देखिए ये जो एरो दिया हुआ है ना, इस पे जाइएगा। इस पे जाने के बाद जैसे मान लीजिए आपको खाली नीचे बॉर्डर लगाना है तो बॉटम बॉर्डर दिया हुआ है, दिया है ना, तो देखिए यहां तक सेलेक्ट किया है हमने। ये देखिए लास्ट वाला 14 रो नंबर क्या है, 14 है, तो 14 के नीचे बॉर्डर आ जाएगा, केवल 14 के नीचे। तो देखिए यहां पर क्लिक किया है तो अभी देखिए 14 के नीचे, यहां पर देखिए ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना, नीचे वाला बॉर्डर देखिए, ठीक है, देख रहे हैं कितना आसान है ये। अब देखिए यहां पर अगर मान लीजिए कि ऊपर बॉर्डर चाहिए हो तो टॉप पे क्लिक कर देंगे तो ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। हालांकि ये थोड़ा सा डिस्प्ले अच्छे से नहीं होगा क्योंकि ऊपर ऑलरेडी हेडिंग पड़ी हुई है तो ये शायद अच्छे से ना दिखाई पड़े, लेकिन ऊपर बॉर्डर भी अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आते हैं तो अगर हमें लेफ्ट में बॉर्डर चाहिए तो लेफ्ट में लगा लीजिए, राइट में बॉर्डर चाहिए राइट में लगा लीजिए, तो देखिए राइट में भी बॉर्डर आ जाएगा। लेकिन कब आएगा, जब हम सेलेक्ट करेंगे तभी आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट करने पे ही बॉर्डर आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इस बार हम राइट में बॉर्डर लगाते हैं तो देखिए राइट में बॉर्डर आ गया, देख रहे हैं। लेकिन मान लीजिए ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए, इस सबको हटाना है, तो हटाने का कई तरीका है। आप इतना हिस्सा सेलेक्ट करके और यहां पे क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए नो बॉर्डर पे, ठीक है। लेकिन और क्या तरीका हो सकता है, आप एक एक स्टेप पीछे चलते चले जाइए। जैसे मान लीजिए कंट्रोल जेड कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए पहले कहीं पर भी, ध्यान रखिएगा कि माउस का कर्सर ब्लिंकिंग ना हो, ऐसे ब्लिंक करेगा ना तो दिक्कत होगी। ब्लिंकिंग का मतलब ये हो गया ना कि यहां पर आपने क्लिक किया, देखिए कर्सर जल रहा है, बुझ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं ब्लिंकिंग होना, ठीक है ना। तो ब्लिंकिंग नहीं होना चाहिए। और क्या करना है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, यहां पर भी कर्सर ब्लिंकिंग नहीं होना चाहिए। कंट्रोल ए कर दीजिए, शॉर्टकट की है, और कंट्रोल ए करके एक शॉर्टकट की प्रेस कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, शॉर्टकट की, शॉर्टकट की क्या है, Alt HBA, यही शॉर्टकट की है। तो ये पूरा बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। तो बॉर्डर लगाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर का कलर भी बदल जाए तो कलर बदलने के लिए आप यहां से आइएगा, और देखिए यहां पे दिया गया है लाइन कलर, तो जिस कलर में करना चाहते हो, पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट है, केवल डेटा ही सेलेक्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी ब्लैक कलर में बॉर्डर दिख रहा है, इसका कलर देखिए यहां पर ये ब्लैक है, पूरा ब्लैक है। तो अगर चेंज करना है तो यहां से लाइन कलर पे आप जाएंगे, ये देखिए लाइन कलर है, और यहां पर क्लिक करिएगा, ये लाइन कलर पे आके ये देखिए ये रेड करना है तो रेड कर दीजिए, पूरा जो भी कलर लगाना हो ना वो कलर चूज कर लीजिए। तो चूज करने के बाद क्या करना है, आपको इस पे इस तरीके से ड्रैग करना है, एक बार कर दिया। अब आप क्या करिएगा, अब आप पूरा डेटा सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट कैसे करेंगे, क्लिक कर देंगे कहीं पर भी इस डेटा में, और कंट्रोल ए करके और फिर इस पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये पूरा जो है आप देखेंगे कि बॉर्डर किस कलर का हो गया, रेड कलर का। फिर अगर चेंज करना है तो फिर वापस इसे सेलेक्ट कर लीजिए, माउस से करिए या कंट्रोल ए करके कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और कहते हैं कि मेरा तो पूरा ही सिलेक्शन में हो जा रहा है, ठीक है, इसको हटा भी देते हैं। ये जो बॉर्डर है इसको हटाने का क्या तरीका है, आप एक एक स्टेप बैक जा सकते हैं। कैसे, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड करके जाइएगा ना तो ये एक एक स्टेप बैक चले जाएंगे। देखिए ये कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड और ये बैक, तो देखिए अब ये पीछे चले गए, ठीक है। ऐसा पॉसिबल अभी तक तो नहीं हुआ है कि हम समय में पीछे चले जाए, लेकिन एक्सेल में पीछे जाना बड़ा आसान है। कंट्रोल जेड करके यानी अंडो करके आप आराम से पीछे जा सकते हैं। तो देखिए ये बॉर्डर हट गया, पहले बॉर्डर नहीं लगाया था हमने, फिर बॉर्डर लगाना है, फिर यहाँ क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए करिए, सेलेक्ट हो जाएगा ये, और यहाँ से आप बॉर्डर जो भी कलर का लगाना चाहते हैं वो कलर चूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इस बार हम ग्रीन कलर का बॉर्डर लगाएंगे तो ग्रीन कलर का लेकर के और इसमें इस तरीके से आप कर लीजिए, ये पूरा आप क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, सेलेक्ट करके इस पे क्लिक कर देंगे। देखिए आप डबल क्लिक कर देते हैं ताकि ये इफेक्ट जो आ रहा था ग्रीन कलर वाला वो हट जाए, और अब हम कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए बॉर्डर उसी कलर का अप्लाई हो जाएगा। देखिए अप्लाई हो गया ना, आगे जाना पीछे जाना बॉर्डर का कलर करना, ये सारी चीजें आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी। अब मान लीजिए इसमें आप डबल चाहते हैं कि इसमें डबल डबल जो है बॉर्डर आ जाए, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर बॉर्डर की स्टाइल देखेंगे। तो देखिए यहां पर अलग अलग स्टाइल की बॉर्डर है। देखिए यहां पर डबल बॉर्डर के लिए यहां पर आप कर सकते हैं, टॉप में डबल बॉर्डर चाहिए, कैसा चाहिए, किस तरीके का चाहिए, आप यहां से कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए
हमको यहां पर डबल बॉर्डर चाहिए, ठीक है। तो इतना हिस्सा सेलेक्ट किया, यहां से जाएंगे और यहां से जाने के बाद ये देखिए इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये डबल बॉर्डर आ जाएगा। देखिए डबल बॉर्डर आ रहा है ना, देखिए यहां पे डबल बॉर्डर लग गया है। आप इसका कलर बदलना चाहें तो आप इसको सेलेक्ट करके यहां से चले जाइए और फिर यहां पे लाइन कलर पे जाके रेड कर दीजिए। इसको रेड कर देंगे ना तो ये जो डबल बॉर्डर आया हुआ है ये रेड कलर में आ जाएगा। कैसे, देखिए यहां पर इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप डबल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पे रेड कलर में ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप रेड बॉर्डर रेड कलर भी कलर में भी बदलाव कर सकते हैं। आसान है बदलाव करना। अगर मान लीजिए कि आपको ये रेड कलर का नहीं चाहिए था, ग्रीन ही कलर का चाहिए था, तो आप इसको हटा सकते हैं। या एक अच्छा तरीका ये है कि आप अंडू का इस्तेमाल करिए, कंट्रोल के साथ जेड एक बार प्रेस कर दीजिए, ये हट जाएगा। नहीं अगर हटा तो फिर कंट्रोल जेड, ठीक है, फिर एक बार और कंट्रोल जेड, ये रेड लाइन हट जाएगी। ये देखिए कंट्रोल जेड कई बार मैंने प्रेस किया और ये रेड लाइन हट गई, यानी एक एक स्टेप हम पीछे चलते चले गए। आगे जाने के लिए कंट्रोल वाई, यानी उसे कहते हैं रेड ओ, और पीछे जाने के लिए कंट्रोल के साथ जेड, ठीक है। ये आसान है, ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। साइज बढ़ाना मैंने बताया ही था, साइज कैसे बढ़ाते हैं, जैसे रोल नंबर की साइज बढ़ानी है तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए ये जो है ना, इस पर क्लिक करिएगा तो ये साइज बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम छोटा ही रखते हैं इसको, यहां से छोटा कर सकते हैं, यहां से बड़ा कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए शॉर्टकट की भी होता है, शॉर्टकट की दो तीन होता है, मैं आपको बताता हूं। दो, एक तो आप कंट्रोल के साथ जो क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट होता है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि आप देख भी सकते हैं यहां पर, मैंने ऊपर दिखाया भी है, कंट्रोल के साथ क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटर देन से भी साइज बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे तो भी साइज इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि यहां पर ये, अगर मान लीजिए इसको आपको करना हो शॉर्टकट की मदद से, आप किसी हिस्से का कलर बदलना चाहते हैं, ये देखिए ये टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए है और ये बैकग्राउंड का कलर बदलने के लिए है, तो अगर आप इसको शॉर्टकट की मदद, यहां से तो कर ही सकते हैं, यहां से तो जाएंगे तो कलर बदल ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इस बैकग्राउंड का, देखिएगा ये रितेश वाला जो लिखा हुआ है, इस रो का हमें पूरा बैकग्राउंड बदलना है, येलो करना है, तो ये देखिए यहां पर जाकर के येलो चूज कर लीजिए, येलो कलर का बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप कर ही सकते हैं लेकिन शॉर्टकट की मदद से। अच्छा मान लीजिए कि टेक्स्ट का कलर बदलना हो इतने हिस्से का, तो आप इतने को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर देंगे तो ये कलर बदल ही जाएगा, देख ही सकते हैं बदल गया है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, यहां पर ये तो हो गया आपका काम, ये तो हो गया, ठीक है, इजिली हो गया, यहाँ पे कलर चेंज हो गई, इजिली कलर चेंज हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपको इसे शॉर्टकट की मदद से कर रहा हो, तो देखिए एक शॉर्टकट की स्मार्ट तरीका बताता हूं आपको। देखिए क्या करना है, करना यह है कि आपको अल्ट प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, अल्ट, कीबोर्ड में एक अल्ट का बटन होता है उसे प्रेस कर दीजिएगा। आप जैसे ही अल्ट प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको मेन्यूज हाईलाइट होती हुई मिलेंगी। अगर आपको फाइल पे जाना है एफ प्रेस कीजिए, होम पे जाना है एच प्रेस कीजिए, इंसर्ट पे जाना है एन प्रेस कीजिए, पेज लेआउट पे जाना है पी प्रेस कीजिए, अगर फॉर्मूलाज पे जाना है एम प्रेस कीजिए, अगर डेटा पे जाना है ए प्रेस कीजिए, रिव्यू पे जाना है आर प्रेस कीजिए, ये दिख रहा है सब सब यहाँ पे हाईलाइटेड है, ठीक है। तो फिलहाल हमें होम पे जाना है एच प्रेस कर देंगे, एच प्रेस करते ही फिर सारी शॉर्टकट की हाईलाइट, एक ही बार में सारी शॉर्टकट की हाईलाइट। तो अभी हमें कहाँ जाना है, हाईलाइट करना है, नहीं हमें टेक्स्ट का कलर बदलना है, तो हमें क्या प्रेस करना चाहिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एफ सी प्रेस करते हैं। एफ सी प्रेस करते ही ये टेक्स्ट कलर ओपन हो गया। अब ये जो 62 लिखा हुआ है इसी का कलर हम बदलने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, समझ रहे बात को। आप क्लिक नहीं भी करते हैं, जैसे मान लीजिए अल्ट प्रेस किया, एच प्रेस किया और एफ सी प्रेस कर दिया, और अगर आप क्लिक नहीं भी करते हैं तो आप नेविगेशन की मदद से जाइए और नेविगेशन की मदद से जाकर के आप एंटर प्रेस कर दीजिए। यहां पर आकर के जहां का भी कलर आपको बदलना हो वहां पर जाकर के आप एंटर प्रेस कर दीजिए। सपोज कीजिए कि अभी हमें जो है यहाँ का कलर, ये तो हमने चेंज कर ही दिया है, जैसे मान लीजिए इस पूरी रो का कलर बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले तो हम नीचे आएंगे, इस इफेक्ट से बाहर आएंगे तो स्केप बटन प्रेस कर देंगे तो ये इफेक्ट से बाहर आ जाएंगे, और मान लीजिए कि इसका पूरा कलर हम बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर इसको इस तरीके से शिफ्ट दबा करके सेलेक्ट करना है आपको। शिफ्ट दबाइए और नेविगेशन की जो है राइट वाली प्रेस कीजिएगा तो राइट साइड में ये चलता चला जाएगा। अब इतना हिस्सा सेलेक्ट करना है तो अब अल्ट प्रेस कर लीजिए, एच प्रेस कर लीजिए, एफ सी प्रेस कर लीजिए, और इस पूरे का कलर व्हाइट करने के लिए नेविगेशन की डाउन वाला चला करके और यहां पर आ जाइए और एंटर कर दीजिए। पूरे का कलर क्या हो जाएगा, पूरे का कलर चेंज हो जाएगा, देखिए चेंज भी हो गया, तो कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर अगर आप अलाइनमेंट करना चाहते हैं, जैसे देखिए टेक्स्ट का अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और नंबर का अलाइनमेंट हमेशा राइट साइड में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिब्रे ऑफिस में भी पूछा जाता है, तो लिब्रे ऑफिस में भी सेम ही है, ये लिब्रे ऑफिस कैल्क में यहाँ पर भी सेम है। तो ये देखिए ये अमित जो है किस साइड में है,
आप देखिए ये लेफ्ट साइड में है और ये जो 7 है ये किस साइड में है, ये जो है राइट साइड में है, किस साइड में है राइट साइड में। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आप जो है देख सकते हैं कि नंबर किधर अलाइन होता है और टेक्स्ट किधर अलाइन होता है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं ना इस टेक्स्ट को हम किधर लेके आए, ये अमित जो लिखा हुआ है इसको किधर लेके आए, इसको हम लेफ्ट के बजाय राइट साइड में लेके आना चाहते हैं। तो यहां पर अलाइनमेंट का सेक्शन दिया गया है, ये देखिए अलाइनमेंट सेक्शन, यहां पे नीचे अलाइनमेंट दिया भी गया है, तो इसमें आप जा सकते हैं। तो जाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये राइट अलाइन है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए ये राइट में चला जाएगा। लेकिन बाई डिफॉल्ट किधर होता है, ये लेफ्ट में ही होता है, बाई डिफॉल्ट ये लेफ्ट में होता है। अगर दोबारा क्लिक कर दिया तो फिर ये वही उसी जगह पर प्लेस हो जाएगा जहां पर ये पहले था। कभी कभी आप क्या चाहते हैं ना कि इसको सेंटर में लेके आया जाए, ये जो लिखा है ना इन सबको मान लीजिए सेंटर में लाना हो तो सबको सेलेक्ट कीजिए, जितना हिस्सा सेंटर में लाना हो सबको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके यहां पर क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो भैया क्या कोई शॉर्टकट की भी होती है इसकी, तो बिल्कुल होती है, और अगर कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो यही चीज सेंटर में चली जाएगी और अगर कंट्रोल के साथ एल प्रेस करेंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको क्या काम करना है कि इसको एक स्टाइलिश वे में लेके आना है, ये जो दिख रहा है ना आपको ये जो है ये पूरा हेडिंग इसको एक स्टाइलिश वे में लेके आना है। तो यहां पर अच्छा ये देखिएगा ये आपका टॉप अलाइन है, यहां पर आप टॉप अलाइनमेंट के लिए क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे करूं तो आप देखेंगे ये रोल नंबर नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में नहीं है, ऊपर के साइड का मतलब होता है टॉप अलाइन। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो टॉप अलाइन हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये चला गया। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मिडिल अलाइन हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, ना ऊपर ना नीचे, बीच में। और इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है नीचे चला जाएगा, यानी बॉटम अलाइन हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट बॉटम अलाइन ही है। तो हम क्या करते हैं एक साथ इन सबको सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर देते हैं, सब सेंटर में मिडिल में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। अब देखिए अब हम चाहते हैं कि ये स्टाइलिश वे में थोड़ा दिखे, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, लुक अच्छा दिखना चाहिए, तो यहाँ पे जाके और इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए ये स्टाइल कुछ इस तरीके की दिखेगी, देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और आप इसका बैकग्राउंड बदलना चाहे तो यहां से बदल सकते हैं, यहां से जाके और ये बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए। अब आप कहेंगे ये तो पूरा ब्लैक हो गया, तो आप टेक्स्ट का कलर व्हाइट बना लीजिए, यहां से जाके टेक्स्ट का कलर क्या कर दीजिए व्हाइट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देख रहे हैं। सेम यही चीज आपको लिब्रा ऑफिस कैल्क में भी करना होता है, मैं आपको कैल्क का भी ये दिखाता हूं कि कैसा दिखेगा। देखिए ये भी एक एक्सेल जैसा ही स्प्रेडशीट है लिब्रा ऑफिस कैल्क, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये स्प्रेडशीट ही है, जैसे एक्सेल दिखता है वैसे ही यहां पर भी लगभग चीजें वैसे ही हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल तो आते हैं एक्सेल पे, तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये स्टाइलिश दिख रहा है। आप अगर इसका चेंज करना चाहते हैं, जरा ऐसे करना चाहते हैं, तो आपको सिलेक्शन पहले करना पड़ेगा, सिलेक्शन करके यहां पे जाइए और फिर इसको ऐसे कर दीजिए, तो ऐसे आ जाएगा ये स्टाइल बदल गई। आप चाहें तो इसका ये साइज वाइज बढ़ा करके थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसको जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर लीजिए आप अपने हिसाब से। इसको सेलेक्ट करके और एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर अल्ट एच ओ आई शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, तो आप जैसे चाहे वैसे एडजस्ट करिए आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो ये तरीका है, ठीक है। कई बार क्या होता है हम अब एक स्टेप पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड एक बार और, कंट्रोल जेड एक बार और, कंट्रोल जेड एक बार और, कंट्रोल जेड एक बार और यहाँ पे आ गए। ये देखिए ये वापस हम उसी सिचुएशन में आ गए, ठीक है। तो जैसे चाहे वैसे करिए। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पर दो चीजें लिखी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है राम, यहाँ पे लिखा है श्याम, ठीक है। ये सिर्फ दो सेल्स की बात नहीं है, आप कई सेल्स को ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं मोनू सोनू कुछ भी ऐसे, तो अब इन तीनों को मर्ज करना है, तीनों को मर्ज करना यानी मिला देना है, तो आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहां से भी जा सकते हैं। शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट एच एम एम, पहले क्या प्रेस करना है अल्ट, फिर क्या प्रेस करना है एच, फिर क्या प्रेस करना है एम, और फिर एक बार और एम, तो ये पूरा मर्ज हो जाता है। ये पूछ रहा है कि मर्ज करना है कि नहीं, तो यस कर दीजिएगा तो ये पूरा मर्ज हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ये पूरा सेल मर्ज होगा, ये बाउंड्रीज हट गई, देखिए यहां पर बाहर क्लिक करते हैं, ये बाउंड्रीज हट गई, देख रहे हैं ये बाउंड्री जो बनी हुई थी ये बाउंड्रीज हट गई, यानी ये मर्ज हो गया, इसे कहते हैं मर्ज करना, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे करना है आपको। अब देखिए ये यहां पे क्या दिया गया है, तो ये इंक्रीज इंटेंडिंग दी गई है और ये डिक्रीज इंटेंडिंग दी गई है, इसका क्या मतलब है, कई बार इसको लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहां पर जाइएगा ना माउस का कर्सर लेके, तो यहां पर लिखा हुआ है स्पष्ट, मूव योर कंटेंट फर्दर अवे फ्रॉम द सेल बॉर्डर, माने सेल बॉर्डर से अवे चला जाएगा, दूर चला जाएगा, ठीक है। डिक्रीज करेंगे तो, डिक्रीज करेंगे ना, तो देखिए ये राइट साइड की तरफ मूव होता जाएगा और जो बॉर्डर है उससे अवे 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 होता चला जाएगा, और अगर इंक्रीज करेंगे ना तो बॉर्डर के पास आता चला जाएगा, देखिए ये लेफ्ट साइड की तरफ चलता चला जाएगा। तो ये कहलाता है इंक्रीज इंटेंडिंग और डिक्रीज इंटेंडिंग, ठीक है। इसके बाद रैप टेक्स्ट, कई बार क्या होता है ना हम रैप टेक्स्ट जो है चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, हम ये नहीं चाहते कि हम ये
सेल का जो है बाउंड्री बड़ा करके इसकी साइज बढ़ाएं। हम चाहते हैं ना इसी में नेम ऑफ स्टूडेंट जो है ना, नेम यहाँ आ गया, ऑफ स्टूडेंट इसके ठीक नीचे में आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये नीचे ही इसकी तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी ये भी जो है काफी अच्छा एक ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके बाद फिर यहां पर आते हैं, तो यहां पर करेंसी वाला फॉर्मेट, वही अगर आप इन सबको करेंसी पर, हालांकि ये तो मार्कशीट है, अगर इसको करेंसी में बदलना चाहते हैं तो यहां पे इसको सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करके यहां पे जाइएगा और ये करेंसी ऑप्शन है, ठीक है। तो हर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये पूरा अपडेट हो गया है, रुपए के सिंबल के लिए जो है अपडेट कर दिया गया, पहले नहीं था, बाद में ये एक आईआईटी इंजीनियर ने बनाया रुपए का सिंबल, फिर हमारे जो करेंसी है इंडियन करेंसी उस पे रुपए का सिंबल इस तरीके से आने लगा। तो इस पे क्लिक करिएगा तो देखिए ये रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यूएस डॉलर करना चाहते हैं तो यहाँ से यूएस डॉलर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कैसे, यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भी आपकी कंट्री है वो आप सेलेक्ट करिएगा। अगर आप रशियन हैं तो यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लीजिएगा तो ये रशियन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम तो इंडियन हैं तो हमारा इंडियन ही रहेगा, रुपया ही रहेगा। आप यूएस के हैं तो यूएस वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसा चाहिए वैसा सेलेक्ट करिए आप, ठीक है, आपकी मर्जी। कंट्रोल जेड करके वापस उसी स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये भी इसलिए कि हम इंग्लिश इंडिया रखें और हमारा करेंसी जो है इंग्लिश इंडिया के हिसाब से आए, तो अकाउंटिंग के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर मोर नंबर देखना है, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, तो यहाँ पर मिल जाएगा, वही चीज है जो वहां से आ रहा था, वही चीज यहाँ से भी आ रहा है। यहाँ पर अगर आप परसेंटेज का फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो ये परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमें परसेंटेज नहीं बनाना है, हम यहाँ पे जनरल ही रखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है कॉमा लगाने की, ठीक है। जैसे मान लीजिए अमाउंट बड़ा हो जाता है तो कॉमा कॉमा करके करना होता है, तो यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में, डेसिमल फॉर्मेट में ये दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये दो ऑप्शन क्या है, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। कभी कभी जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो नंबर काफी लंबा हो जाता है, जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ क्या होता है, यहाँ पर आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई कैलकुलेशन किया, उसका आंसर आ रहा है 66.666 है ना, 6666, और यहाँ पर कर देते हैं 7 आगे, तो ये देखिए ये अब इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर आप इंक्रीज डेसिमल या डिक्रीज, देखिए ये क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो डेसिमल का पॉइंट इंक्रीज होता चला जा रहा है, और इंक्रीज जैसे ही होगा कॉलम छोटा पड़ेगा तो ये ऐसा दिखेगा, तो ये कोई एरर वैल्यू नहीं है, ये कॉलम का साइज छोटा पड़ जाने से ऐसा होता है। तो देखिए ये आप जैसे ही इस पे क्लिक करते जाएंगे ना तो ये इंक्रीज होता जाएगा, डेसिमल का पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा, और इसको डिक्रीज करने के लिए यहां से आप जा सकते हैं। तो इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं एक बहुत ही बेहतरीन फीचर के ऊपर जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बहुत ही जबरदस्त है, इसका तो इतना ज्यादा यूज है कि पूरा का पूरा जो है 4-5 घंटे इस पे कम पड़ेंगे अगर इस पे काम किया जाए। तो देखिए इस पूरे डेटा को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। पहला तो यही है हाईलाइट सेल रूल। सेल रूल का मतलब क्या होता है कि आप सेल रूल में क्या हाईलाइट करना चाहते हैं। तो देखिए ये तो हमारा क्या है, ये तो हेडिंग है, इसमें हम कुछ भी हाईलाइट नहीं करेंगे, जो भी करना है इस नंबर फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करके क्या करेंगे, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके हाईलाइट सेल रूल है। अब देखिए पहला दिया है ग्रेटर देन, दूसरा दिया है लेस देन, तीसरा दिया है बिटवीन, चौथा दिया है इक्वल टू, तीसरा उसके बाद दिया है टेक्स्ट दैट कंटेन, और फिर यहाँ एडेट अकरिंग दिया है, फिर डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करते हैं और जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको ये किस कलर में हाईलाइट कर दे, यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये ग्रीन डार्क कलर में हाईलाइट कर दे। तो देखिए जो भी डुप्लीकेट है ना, इसमें बहुत सारे डुप्लीकेट हैं। अब ये जो भी डुप्लीकेट है, रितेश रितेश दो बार आया है, तो देखिए रितेश को इसने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये रितेश आया हुआ है, अच्छा ये 9 है, ठीक है, और ये 7 है। ये क्यों हाईलाइट कर रहा है, इसलिए हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ पर कहीं 9-7 आया हुआ है। अब देखिए 7 यहाँ पे आया हुआ है तो इसीलिए इसको भी हाईलाइट कर दिया इसने, देख रहे हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करना हो तो यहां से आप बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा वो देख लेते हैं जो पहला ऑप्शन था हमारा, उस पे आ जाते हैं। यहां पर आए और यहां पे देखिए हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन, तो हम चाहते हैं ना कि जो वैल्यू 60 से ग्रेटर हो वही हमें दिखाइए, और किस कलर में दिखाइए वो भी आप यहां से चूज कर सकते हैं। आप कस्टम फॉर्मेट भी ले सकते हैं, यहां से जाकर के आप कस्टम फॉर्मेट बना सकते हैं कि आपको किस कलर का चाहिए। तो हमें ये हल्का सा ये येलो कलर ऐसा चाहिए, तो देखिए जो भी यहाँ पे 60 से ग्रेटर है केवल वही हल्का येलो कलर में हाईलाइट हुआ है, ठीक है। देखिए ये है 71, ये है 85, ये भी हल्का येलो कलर में आया है, देखिए। और जो भी 60 से लेस है ना, इवन 60 भी है
तो भी वो हल्का येलो कलर में हाईलाइट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 60 टाइप कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये भी हल्का येलो कलर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ 61 कर देता हूं तो देखेंगे कि हल्का येलो कलर में ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका ग्रेटर देन। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी कि ये ग्रेटर देन क्या है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं हम कंट्रोल जेड करके पुराने स्टेज में। ठीक है, यहां पर आते हैं। अब देखिए ये है क्या, ये तो ग्रेटर देन हो गया, अब यहाँ पे ये लेस देन है। ठीक है, हाईलाइट सेल रूल में दूसरा ऑप्शन है लेस देन का। तो अगर आप इसमें लेस देन सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी जो भी बच्चा 33 से कम पाया हो वो ऑप्शन हाईलाइट करना चाहते हैं, यानी 32 वाला ऑप्शन हाईलाइट करना चाहते हैं, और वो भी किस कलर में, रेड कलर में, तो ये सारे हाईलाइट हो गए। देखिए यहाँ पर 18 है, 30 है, 13 है, 25 है, लेकिन जो भी 32 से ग्रेटर है ना वो हाईलाइट नहीं होगा। 32 से ग्रेटर वाला तो कतई हाईलाइट नहीं होगा। देखिए यहां पर आ गए और यहां पर आकर के क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, 33 कर देना है, तो 33 जैसे ही करेंगे तो वो हाईलाइट नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज 32 से ऊपर होगी, और जैसे देखिए अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूं वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और ये लेस देन, ठीक है, अब ये लेस देन पे गए, और लेस देन पे जाने के बाद इसका अगर हम एरिया बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए हम चाहें कि 50 से ऊपर वाला हाईलाइट हो जाए रेड कलर में, या 49 तक जो है वो रेड कलर में हाईलाइट हो जाए, तो अगर मैं जैसे ही यहां पे 49 करूंगा ना, या 50 कर देता हूं, 50 से लेस करेंगे, 49 नहीं बल्कि 50 से लेस, तो जो भी 50 से लेस वाले होंगे ना वो हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, इस एरिया में जो भी 50 से लेस होगा वही केवल हाईलाइट होगा रेड कलर में। ठीक है, देखिए यहाँ 45 है तो भी अब रेड कलर में ये हाईलाइट हो रहा है, इसके पहले 32 या 32 से लेस वाला हाईलाइट हो रहा था, 33 इवन नहीं हो रहा था। यहां पर जैसे ही हम 49 करेंगे ना तो 49 भी रेड कलर में हाईलाइट हो जाएगा। देखिए यहां पर 49 किया, एंटर किया, तो ये भी रेड कलर में हाईलाइट हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी कि ये वाले ऑप्शन का उपयोग कैसे करना है। अब देखिए यहां पर एक बिटवीन का भी ऑप्शन मिलेगा, इसी को सेलेक्ट करते हैं, ये सेलेक्टेड पार्ट में ही देखेंगे हम। यहां पर आते हैं हाईलाइट सेल रूल पर, अगला ऑप्शन है बिटवीन का। तो बिटवीन जैसे ही खोलेंगे ना तो हम चाहते हैं कि 33 से लेकर और 100 के बीच के ठीक है, इनको किस कलर में हाईलाइट कीजिए, इनको ग्रीन डार्क कलर में हाईलाइट कर दीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो भी 33 से लेकर और 100 के बीच के हैं उनको ग्रीन डार्क कलर में ये हाईलाइट करके हमें दे रहा है, यानी आइडेंटिफिकेशन बड़ा आसान हो जाता है इससे। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं, इसके बाद आएंगे तो यहां पर हाईलाइट सेल रूल में अगला ऑप्शन है इक्वल टू का। ये देख सकते हैं इक्वल टू का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इक्वल टू वाला देखना चाहते हैं, अगर किसी को इतना नंबर मिला हो, इक्वल टू ही होगा ना, उससे कम ना उससे ज्यादा, तो यहां पर क्लिक करके आप वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं ना जो बच्चा 56 पाया हो उसी का हाईलाइट कीजिए, तो यहां पर जो भी 56 पाया होगा वही हाईलाइट होगा। पहले तो इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे तब ये होगा, तो ये एरिया को सेलेक्ट कर लिया और यहां पर जाकर के इक्वल टू पे क्लिक किया, तो इक्वल टू एक अलग ऑप्शन है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम येलो कर देते हैं, डार्क येलो, और इक्वल टू में हम क्या रखेंगे, 56 वाले को ही हम देखना चाहते हैं, कोई ऐसा बच्चा जो 56 नंबर पाया हो, 56 पाया हो उसी को हाईलाइट कर दीजिए। तो देखिए येलो कलर में कौन सा हाईलाइट हुआ, यही हाईलाइट हुआ है, बाकी कहीं भी आपको 56 दिखाई ही नहीं देगा, देख रहे हैं, कहीं भी 56 है ही नहीं तो दिखाई कहां से देगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करिए। अब देखिए यहां पर आते हैं तो अगला ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट डेप्थ कंटेंट। ठीक है, यहां पर ये ऑप्शन, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिया हुआ है फॉर्मेट सेल्स, और ये टेक्स्ट दैट कंटेन दिया, टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब होता है नंबर नहीं, नंबर को छोड़ करके कुछ और। ठीक है, तो अब इसमें मान लीजिए ये तो एक छोटी सी रेंज है, कभी कभी आपके पास बहुत बड़ी रेंज होती है एक्सेल में, तो उसमें आपको सर्च करना होता है, तो सर्च करने के लिए दिक्कत होती है, तो अब यहां पर इस ऑप्शन का उपयोग करके ये काम कर सकते हैं। कैसे, यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने राम लिखा हुआ है, ठीक है, और राम के बजाय कुछ और लिख देते हैं, जैसे यहां पर एक और लिखा हुआ है, यहां पे हिना लिखा हुआ है, तो HEENA, ठीक है, ये लिख दिया हिना, और इसको एक कलर में हाईलाइट करेंगे, कौन से कलर में हाईलाइट करेंगे, इसको हम डार्क रेड बॉर्डर दे दी, क्यों ना रेड बॉर्डर दे दें इसको, तो देखिए यहां पर रेड बॉर्डर आ जाएगा, जो भी यहां पे देंगे वो उसी हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, तो हम रेड में फिल कर देते हैं, या फिर किसी और कलर में भी फिल कर सकते हैं, तो यहाँ कस्टम फॉर्मेट पे आते हैं, नया फॉर्मेट लेंगे उसके हिसाब से फिल करेंगे, तो यहाँ ग्रीन कलर में हम चाहते हैं ग्रीन कलर में फिल हो जाए, तो देखिए हिना ऑप्शन जो है, जो हिना ऑप्शन है वो ग्रीन कलर में फिल हो गया। इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर फिर आएंगे नीचे, तो यहां पर ये डेट ऑकरिंग है, तो डेट तो हमारे पास कोई है नहीं, लेकिन एक डेट हम इंसर्ट कराते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूं डेट। ठीक है, और यहां पर मेरे पास कम ही कॉलम है, तो यहाँ पे कुछ डेट्स भी हम करा लेते हैं, 2024 हो गया,
यहाँ पे कर देते हैं 5/5/2020 कर देते हैं, तो ये हो गया 2020 कोरोना टाइम, ठीक है, एंटर करते हैं। और इसी तरीके से और भी डेट्स हम चाहे तो इंसर्ट करा सकते हैं, तो ये इसको ड्रैग कर लेते हैं, बहुत सारी डेट्स हमारे पास अपने आप आ जाएंगी। तो अब चूंकि इस ऑप्शन का यूज भी करना है, तो इसी वजह से तो यहां पर जाकर के डेट ऑकरिंग पे आए, ठीक है। तो ऑकरिंग कौन सा चाहिए, तो यहां पर क्लिक करेंगे ना तो बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, यस्टरडे है, टुडे है, तो आज की डेट कौन सी है वो हमें देखनी है, तो आज का डेट भी देना पड़ेगा, अगर आज का डेट देखना है तो देना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट 7 डेज, तो यहां पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो यहां लास्ट 7 डेज में से इनमें से कोई डेट नहीं है, ठीक है। अगर कोई एक डेट दे देते हैं हम, जैसे सपोज कीजिए कि आज की जो डेट है वो 6 तारीख है, ठीक है, और 10वां महीना है और यहाँ 2024 ईयर है, तो ये अगर दे देते हैं तो ये ऑटोमेटिक जिस कलर में दिया था वो कलर में हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक और डेट करते हैं, लाइक यहाँ पे कर देते हैं 30 और यहाँ पे कर देते हैं 9 और यहाँ पे कर देते हैं 2024, तो ये भी हाईलाइट हो गया, देखिए हाईलाइट हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जैसी जरूरत वैसे आप काम कर सकते हैं। डेट ऑकरिंग है तो यहाँ पे यस्टरडे मैंने दिया हुआ था, अगर मैं लास्ट 7 डेज दे दूं तो यहाँ पे लास्ट 7 डेज दे दिया और कलर में डार्क रेड ही रखता हूं, तो यहाँ पे लास्ट 7 डेज में यही दोनों डेट्स हैं, ठीक है। अगर कोई और भी डेट लास्ट 7 डेज वाली होती है तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन चलिए और भी देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। तो डेट ऑफरिंग पे फिर आते हैं और यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ पे जाएंगे और ओके करेंगे, तो लास्ट मंथ वाली भी डेट इसमें से कोई है नहीं, ठीक है। लास्ट मंथ यानी 9 वाले मंथ की बात कर रहा है ये, अगर मैं यहाँ पे 9 दे देता हूं तो ये ऑटोमेटिक जो है इसको हाईलाइट करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2024 करना पड़ेगा ना, ये तो 2020 है, 2020 वाला तो ये हाईलाइट ही नहीं करेगा, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक हाईलाइट कर देगा, देख रहे हैं, तो ये हाईलाइट इस तरीके से कर देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी कि इस ऑप्शन का यूज कैसे करना है। लिब्रा ऑफिस कैल्क में भी आपको यही मिलता है, ये देखिए यहाँ पर भी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन यहाँ देखिए ये मिल जाता है, यहाँ पर ये देखिए ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो लिब्रा ऑफिस में भी कर सकते हैं और एक्सेल में तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हाईलाइट रूल में फिर आ जाते हैं, यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू और ये मोर रूल्स करके दिया हुआ है, तो इसमें देखिए अलग अलग रूल्स आपको मिलते हैं, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, दूसरा है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, अगला है फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यू, ठीक है। इसके बाद है फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव एंड बिलो एवरेज, ठीक है। फिर यहां दिया गया है फॉर्मेट ओनली यूनिक डुप्लीकेट वैल्यू, यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। और यहां पे दिया हुआ है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसमें आप फॉर्मूलाज फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे करना है फॉर्मेट, तो भाई इसका भी यूज क्यों ना देख लिया जाए कि इसको भी कैसे यूज करेंगे, ठीक है, यानी पहले वाले को इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना, इसका यूज देखना बड़ा जरूरी। यूज भी बड़ा सिंपल है, अब देखिए जरा मैं इतने हिस्से को सेलेक्ट करता हूं, जरा देखिएगा केवल इतना ही हिस्सा सेलेक्ट करा है मैंने, ठीक है। और कहां चले जाएंगे, जाएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर और हाईलाइट सेल रूल्स पर, और यहां पर आएंगे तो ये मोर रूल्स है, ये देख सकते हैं ये मोर रूल्स है, और मोर रूल्स में कहां आ जाएंगे, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, यहां आ गए हैं, ठीक है। और यहां पर आप 2 स्केल कलर, 3 स्केल कलर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी मर्जी, चलिए इस बार 2 स्केल कलर ही सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे हाईएस्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ फिलहाल लोवेस्ट रखते हैं, और इसका कलर आप देख लीजिए क्या चूज करना है, तो यहाँ पे रेड कर देते हैं, और यहाँ हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू में कौन सा कलर रहेगा, तो आप यहाँ जो भी चूज करेंगे वही हाईएस्ट वैल्यू में आ जाएगा, तो एक तो लोवेस्ट वैल्यू हो गया, एक हाईएस्ट वैल्यू हो गया, देख सकते हैं ना। अब ये सब करके क्या करना है, यहाँ से अब आपको ओके करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ये हिस्सा सेलेक्टेड रहे, ठीक है, ये हिस्सा आपको सेलेक्टेड रखना है, जिसको भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो हिस्सा सेलेक्टेड कर लीजिए, अगर सेलेक्ट नहीं है तो फिर ये काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट किया है मैंने, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर लोवेस्ट क्या चूज किया था मैंने और हाईएस्ट क्या चूज किया था, तो जो भी हाईएस्ट वैल्यू है वो डार्क येलो में हो जाएगा, जैसे यहाँ 76 सबसे ज्यादा है, तो ये देखिए डार्क में है, लेकिन उससे भी ज्यादा डार्क में कौन है, यहाँ पर 84 है, क्योंकि 84 सबसे हाईएस्ट है, और जो सबसे लोवेस्ट होगा ना वो रेड कलर में आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये रेड कलर में आ रहा है, देख रहे हैं, तो ये फायदा है। अच्छा ये 55 थोड़ा सा ज्यादा हाईएस्ट है, लेकिन हाईएस्ट तो है, किससे हाईएस्ट है, 25 से हाईएस्ट है, लेकिन 55 जो है 59 से कम है, तो यहाँ पर ये थोड़ा ज्यादा डार्क में है, यानी येलो के बिल्कुल करीब, मतलब रेड के बिल्कुल करीब, सॉरी येलो के नहीं बल्कि रेड के बिल्कुल करीब है,
59 भी देखिए लगभग इसी के जैसे है, लेकिन इससे थोड़ा सा हल्का पड़ गया है। 64 हुआ तो और ज्यादा हो गया, 69 हुआ तो और ज्यादा येलोइश हो गया ये। 62, 64 आप देख ही रहे हैं, ठीक है। 76 अगर आप देखेंगे तो ज्यादा येलोइश हो गया है, और यहाँ 84 हो गया है, तो ये बहुत ज्यादा येलो कलर में आ गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, जरा देखिएगा, यहाँ पर मैं 99 अगर कर दूं तो क्या होगा, ये सबसे ज्यादा येलो कलर में आ जाएगा। ये इसका यूज है, देख रहे हैं। अगर इसको 25 है, इसको मैं अगर 25 को 46 बना दूं या कुछ और बना दूं, 55 बना दूं, अगर मान लीजिए यहाँ पर 25 को बजाय 12 कर दें, 15 कर दें, तो ये और ज्यादा डार्क रेड हो जाएगा, देख रहे हैं। और इसको अगर चेंज कर दें, जैसे मान लीजिए इसको हटा दिया और यहाँ पे 99 कर दें या 98 कर दें, तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा येलो कलर में हो जाएगा, देखिए, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होता जाएगा। तो ये इस जो फॉर्मेटिंग स्टाइल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, इसका ये फायदा है, ठीक है ना। इस ऑप्शन को का यूज करने से पहले मैं ये जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है मैंने, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं, यानी ये जो भी कलर वगैरह आ रहे हैं इनको मैं हटा दूंगा, यहाँ पे नो फिल रखूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर भी हम इसको नो फिल रखेंगे, यानी कोई कलर इसमें चूज नहीं करेंगे, केवल ब्लैक ही रहेगा ये, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हो गया है, और बाकी के जो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है उसको भी हमें हटा देना है। कहाँ पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे क्लियर रूल्स पे जाएंगे, ठीक है, और इसको क्लियर कर देंगे, तो ये पूरा क्लियर हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं ना कि यहाँ पर ये जो मार्क्स मिले हैं एवरेज मार्क्स, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और वही चीज लेंगे जो कि ऑप्शन हम देख रहे थे था, और यहाँ पे ये थर्ड वाला ऑप्शन हमें यूज करना था, ठीक है। तो ये हमें यूज करना है, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यूज, ये वाला ऑप्शन यूज करना था। और यहाँ पे देखिए टॉप और बॉटम दो तरीके से इसे फॉर्मेट किया जा सकता है, तो हम टॉप वाला वैल्यू ले लेते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि एवरेज वो वाला मुझे दीजिए जो ऊपर से टॉप किए हों बच्चे, यानी अब इसमें टॉप वाला बहुत कोई तो दिख नहीं रहा है, 100% के आसपास भी कोई नहीं दिख रहा है, हाँ, लेकिन जो टॉप किए हैं इन्हीं में से, इन्हीं एवरेजेस में से जो बच्चे टॉप किए हैं, उन पांच बच्चों के नाम हमें दे दीजिए, स्टार्टिंग से जो टॉप किए हों उन पांच बच्चों के नाम हमें चाहिए। तो यहां 5 कर दीजिए, और 5 करने के बाद यहां पर फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट पे जा करके यहां, और यहां पर क्या करेंगे, फिल पे आएंगे, और फिल पर आकर के उसे किस कलर से हाईलाइट करिएगा, येलो कलर से, यहां पर येलो कर दिया है हमने। आप चाहे तो यहां पर मोर कलर पे जा करके यहां से जो कलर अच्छा लगता हो आपको, अगर आपको ग्रीन अच्छा लग रहा है तो ग्रीन ले लीजिए, येलो अच्छा लग रहा है येलो ले लीजिए, और यहां से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहां पर आपको सैंपल दिखा रहा है कि इस तरीके से हाईलाइट होता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है, और यहां से ओके करिएगा तो टॉप 5 स्टूडेंट जो है यहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे टॉप वाले। यहां पर पैटर्न स्टाइल दिया गया है, तो आप पैटर्न देना चाहें तो पैटर्न भी दे सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न बनेगा, ठीक है, तो आप चाहे तो पैटर्न भी दे सकते हैं, तो ऐसा पैटर्न आएगा, देखिए ये जो पैटर्न दिख रहा है ना ऐसा, ठीक है, इसमें से अगर चेंज करते हैं तो ऐसा पैटर्न दिखेगा। तो चलिए यही वाला पैटर्न सेलेक्ट करके और ओके कर देते हैं, और ओके करने के बाद इस पे भी हमें ओके कर देना है। तो जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 पांच बच्चे जो टॉप 3 जो टॉप 5 हैं वो हमें दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये पांच ही दिख रहे हैं टॉप 5 वाले, जरा देखिए यहां पर 59 ये सबसे टॉप है, ये 58 फिर उसके बाद है, फिर यहां देखिए 68 सबसे टॉप है, फिर यहाँ पे 59 है, फिर यहाँ 58 है, फिर यहाँ 53 है, फिर 50 है, देख सकते हैं ना अलग अलग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल पे जाते हैं, और सेल रूल पे जाके वापस न्यू रूल पे जाते हैं, और इसी को सेलेक्ट करके देन यहाँ पर टॉप 3 कर देते हैं, तो केवल टॉप 3 ही आएंगे इसमें, ठीक है, बाकी फॉर्मेट तो हमारा वही है। यहाँ पर जाएंगे, अब इस बार चेंज करते हैं, थोड़ा कुछ चेंज करेंगे तो ठीक रहेगा, तो ये जाकर के और यहां पर पैटर्न वाला ये वाला स्टाइल करते हैं इस बार, ठीक है, और यहां से अब ओके कर देते हैं, और ओके करने के बाद यहां से भी ओके कर देते हैं, और ओके जैसे ही करेंगे तो टॉप 3 वाले सेलेक्ट होंगे। देखिए ये टॉप 3 येलो कलर में टॉप 3 आ रहा है, देख रहे हैं, ये तो पुराना हमने किया था तो वो अप्लाइड है पहले से, लेकिन अब टॉप 3 आ गया है। तो नीचे ये देखिए ये सबसे ज्यादा, फिर ये उससे ज्यादा मतलब उससे कम, और फिर ये सबसे कम, ये टॉप 3 वाले आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और जब भी इसको हटाना हो ना तो आप क्या करेंगे, यहां पर जाकर के और ये हाईलाइट सेल रूल जो आ रहा है यहां पे देखिए ये नीचे, तो ये सिलेक्टेड में से इसको हटा देंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे तो ये हट जाएगा। अब एक और बेहतरीन ऑप्शन वो भी देखते हैं क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, ये देखिए वही होम टैब में है ये आपका, और वही कि यहां पर न्यू सेल रूल जो है इस पे हम जाएंगे। तो जैसे ही जाते हैं
तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन हो चुका है। चौथे ऑप्शन पे आते हैं, तो ये देखिए, फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर और बिलो एवरेज, ठीक है, इस पे क्लिक कर दिया है। और यहां अबव है, आप चाहे तो बिलो रख सकते हैं, इक्वल और अबव भी रखा जा सकता है, इक्वल और बिलो भी रखा जा सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे 1 STD डेव अबव करके भी और भी बहुत सारे ऑप्शन है, सबके बारे में जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अबव से, ठीक है। अबव पे क्लिक किया, अबव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अबव का मतलब होता है ऊपर, यानी ज्यादा वाला, ठीक है। अब यहां से जाएंगे फॉर्मेट पर, और फॉर्मेट पर जाकर के एक कलर चूज कर लेंगे, जैसे मान लीजिए यही मैं स्काई ब्लू चूज कर लेता हूं, या ये वाला कलर चूज कर लेता हूं, और यहां से क्या करेंगे, ओके कर देंगे। अगर आप पैटर्न चाहते हैं तो आप पैटर्न भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये वाला पैटर्न ले लेते हैं और यहां से ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद यहां से भी क्या करना है आपको, ओके प्रेस करना है। लेकिन ओके प्रेस करने पर होगा क्या, देखिए यहां पर जैसे ही ओके प्रेस किया मैंने, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 68, 58, 59, 50, 53, ये जो एवरेजेस हैं यही केवल सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी 50 वाले ही सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा वाला, फिर उससे कम वाला, उससे कम वाला, ऐसे करके ये सेलेक्ट हो रहा है, देख रहे हैं। जब अबव की बात करी है तो अब बिलो की भी बात कर लेते हैं, तो एवरेज को वापस सेलेक्ट करते हैं और यहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, न्यू मोर रूल्स पे जाके, न्यू सेल रूल पे आके, और यहाँ पे देखिए ये जो है ना चौथा ऑप्शन था हमारा, तो अभी तो अबव सेलेक्ट किया था, अब हम क्या करते हैं बिलो कर देते हैं, ठीक है, बिलो कर दिया। और यहाँ से फॉर्मेट, अब दूसरा फॉर्मेट चूज करेंगे, थोड़ा सा इससे हट करके, अलग हट करके फॉर्मेट को चूज करते हैं, जैसे ये जो कलर है इसको चूज कर लेते हैं, और यहां से चाहे तो आप पैटर्न भी चूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये चूज कर दिया है पैटर्न भी हमने, और यहां से ओके किया है, और ओके करने के बाद यहां पर जाएंगे तो बिलो वाले में 40, 36, 42 और 29 देख रहे हैं, ये सब हाईलाइट हो रहा है, ये बिलो है। इसके पहले अबव वाले में आपने देखा कि 50 और 50 से ज्यादा वाला सब हाईलाइट कर दे रहा था, बिलो वाले यानी कि बिलो का मतलब होता है नीचे, तो नीचे वाला हाईलाइट कर रहा है, ऊपर वाला जब करेंगे यानी अबव करेंगे तो ऊपर वाला हाईलाइट करेगा, और अगर बिलो करेंगे तो क्या करेगा, नीचे वाला हाईलाइट कर देगा, समझ में आ रही बात।